अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि आईफोन में थंबनेल बनाने का तरीका। सबसे पहले आपने PHONTO डाउनलोड कर लेना है, उसे ओपन किया। ओपन करने के बाद आपने इधर कैमरे के निशान पे उंगली लगानी है और फिर ये ऊपर लिखा हुआ है फ़ोटो एल्बम प्लेन इमेज, आपने प्लेन इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने इस ब्लैक पर ओके करना है। ओके करने के बाद आपने थंबनेल का साइज़ सेलेक्ट करना है। उसका साइज़ है जो यूट्यूब पर लगाया जाता है उसका है 19:20x10:80। इसे ओके किया। ओके करने के बाद आपने इस तीर पे ओके कर दिया। ओके करने के बाद यूज़ करने के बाद इधर उंगली लगाई और ऐड टेक्स्ट। इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो मर्ज़ी लिखें। ये जैसा कि मैं लिख रहा हूँ कि थंबनेल ओके कर दिया। अब इसका आप साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है साइज़ पे उंगली लगाई और अब ये आपने छोटा ये बड़ा अपने हिसाब से रख लें और इसे एक जगह एडजस्ट कर लें। जैसा कि मैंने इसको इतना कर लिया। अगर और कुछ लिखना है फिर इधर उंगली लगाएं तो ऐड टेक्स्ट। ओके, इधर आप देखें जैसे कि यूट्यूब लिख यूट्यूब। अब इधर से फ्रंट से आप इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं, जो मर्ज़ी सेलेक्ट करें। जैसा कि मैंने ये रख लिया, फिर डन। इसका भी आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, इतना ठीक है। इसके बाद बारी आती है इसमें आप अपनी पिक्चर कैसे लगाएं। पिक्चर लगाने के लिए इन तीन डॉट पे क्लिक किया या लिखा हुआ है ऐड इमेज पे क्लिक किया। फिर आप यहाँ से कोई भी पिक्चर लगाएं। मैंने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट की। आप यहाँ से जो मर्ज़ी तरीके से लगा लें। ये फिर डन कर दिया। डन करने के बाद इसे साइड पे ले आए। इसका साइज़ आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सेट हो गया। अब इसमें अगर आपने खूबसूरती के लिए और इमेज लगानी है तो फिर आप इधर गए ऐड इमेज और जैसा कि मैंने ये सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसे डन कर दिया और डन करने के बाद इसे पकड़ कर हम इधर नीचे ले आए। आप जो मर्ज़ी लिखें इधर। इसका साइज़ ठीक है। अब आप बारी आती है सेव करने की। सेव करने के लिए एरो पे क्लिक किया और सेव इमेज। ओके, अब ये गैलरी में शो होगा। ये थंबनेल तैयार हो गया है।